एकता सम्मेलन में डेडियापाड़ा ना धारासभ्यों चेतर वसावा ठुमका लोक आकर्षण नु केन्द्र बनिया। चेतर वसावा रेली में आदिवासी परंपरागत पोशाक में सज्ज थईने परिवार साथे रेली में जोड़ाया। आदिवासी साथे चेतर वसावा ठुमका अने खंभे खभा मिलावीने परिवार साथे नाचगान करता चेतर वसावाए आदिवासी संस्कृति ने सजीवन करी। छोटा उदयपुर तालुका ना हमीरपुरा गामे 30मी आदिवासी एकता महासम्मेलन योजानु। आदिवासी एकता सम्मेलन में देशभर में हजारों की संख्या में आदिवासी उमटिया। तीर कमान धारिया तलवार ढोल नगारा त्रासा साथे आदिवासी परंपरागत पोशाक में सज्ज थईने आव्या। डेडियापाड़ा ना आदिवासी युवा धारासभ्य चेतर वसावा पर आज सम्मेलन में जोड़ाया हता। आ सम्मेलन में निकलेली आदिवासियों ने विशाल एकता रेली में युवा आदिवासी धारासभ्य चेतर वसावा तेना परंपरागत आदिवासी वस्त्रों में परिधान थईने हाथ में धनुष लईने तेमनी बन्ने पत्नीओना आदिवासी परंपरागत वस्त्रों में सज्ज थईने चेतर वसावा परिवार साथे नाचगान करता आ सम्मेलन में अने रेली में जोड़ाया हता, जे लोको आकर्षणनुं केन्द्र बन्युं हतुं। खास करीने चेतर वसावा आदिवासीओनी साथे खभे खभा मिलावीने नृत्य करता जोवा मळ्या हता। हाथमां धनुष बाण लईने ठुमका मारता चेतर वसावानी साथे अन्य आदिवासी आगेवानो पण जोड़ाया हता। आ आदिवासी एकता सम्मेलनमां चेतर वसावा आदिवासीओना प्रश्नो अंगे चिंतन अने मनन करता जणाव्युं हतुं के आदिवासी समाज भोळो समाज छे। तेनी जड़ जंगल जमीन अने तेनी हक्को छीनवाई रह्या छे, छता कोई आदिवासी नेता बोलतो नथी। आजे पण आदिवासीओने थई रहेलो अन्यायनी सामे कोई अवाज उठावतो नथी। आदिवासीओनो अहींया पहेला राज हतो, अहींया भील राजाओ अने नाना रजवाड़ाओमां आदिवासीओ राज करता हता, पर बहारथी आवनारा लोकोए कपट करीने आदिवासीओ पासेथी राजपाट छीनवी लीधो। आजे आदिवासी समाज किनारे आवीने ऊभो छे। આજે આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી પણ આદિવાસીઓને અન્યાય સહન કરવો પડે છે, તેમને ન્યાય મળે તે માટે ચિંતન અને મનન કરવાની જરૂર છે। નર્મદા જિલ્લાના પ્રશ્નોની વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે આદિવાસીઓ માટેના કરોડોના બજેટો આવે છે, મોટા મોટા પ્રોજેક્ટ આવે છે, પણ આદિવાસીઓને કોઈ લાભ થતો નથી। નર્મદા ડેમ અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જેવા મોટા પ્રોજેક્ટ હોવા છતાં આજે પણ નર્મદાનું પાણી ઘણા આદિવાસીઓને મળતું નથી। નર્મદામાં આજે પણ વીજળીની સમસ્યા છે, તે માટે પણ ચિંતન અને મનન થવું જરૂરી છે। આદિવાસીઓના શિક્ષણ અને આરોગ્યની સમસ્યા અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી। નર્મદા જેવા આદિવાસી વિસ્તારમાં હોસ્પિટલો અને સુવિધાઓના ઠેકાણા ન હોવાના જણાવી આદિવાસીઓની સમસ્યા હલ કરવા આપણે સૌએ આગળ આવવાની જરૂરિયાત ઉપર ભાર મૂક્યો હતો। રિપોર્ટિંગ માય દીપક જગતાપ। આદિવાસી સમાજ પર आदिवासी समस्या जो आने वाली है, आदिवासी समाज के जो बरसों से जो समस्या है उस समस्या पर भी चिंतन और मनन करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं, हम जिस जंगल जमीन जल जंगल और जमीन की बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे आदिवासियों के पास से छीनवी जा रही है। हमारा समाज दयावान है। सदियों पहले हमारे पूर्वजों का यहाँ राज था, भील प्रदेश था, उससे पहले भी छोटे छोटे रजवाड़ा हुआ करते थे। जो भी लोग बाहर से आए उन लोगों को हमारे लोगों ने शरण दिया और बाद में वही लोगों ने कपट करके हमारे लोगों के पास से राजपाट छीन लिया। आज भी हमारे लोग कहीं लोगों को हमारे एरिया में शरण देते हैं, बिजनेस करने देते हैं, जमीनें देते हैं, बेटियां देते हैं, और उसका परिणाम आज ऐसा है कि हमारा समाज आज किनारे पे जाके खड़ा है। हमारे साथ आजादी के लोकशाही में डेमोक्रेटी में भी इतना अन्याय हो रहा है जिस पर भी चिंतन मनन होना चाहिए। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग विद्वान बुद्धिजीवी लोग यहाँ अपनी स्पीच रख के गए हैं। यहाँ सब बड़ी तादाद पे यहाँ सब उपस्थित हैं, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो,
देश का कोई भी राज्य हो, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े बड़े डैम आते हैं, तो उसमें आदिवासी समाज को ही विस्थापित होना पड़ता है। हमारी आंखों के सामने इतना बड़ा नर्मदा डैम है, वर्ल्ड क्लास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जहां आज हम देख रहे हैं पूरा नर्मदा का पानी हमारे आंखों के सामने से जा रहा है, फिर भी हम मजबूर है कि हम पानी ले नहीं सकते। बिजली नर्मदा से जा रही है, आदिवासी समाज मजबूर है कि वो मांग नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है। उस पे चिंतन होना चाहिए, उस पे सब हमारी एकता होनी चाहिए। आगे वक्ताओं ने बोला कि हमारे यहां से भारत माला प्रोजेक्ट जाने वाला है, उसमें हमारी जमीनें जाने वाली है, हमारे यहां से ग्रीन कॉरिडोर जाने वाला है, उसमें हमारी जमीन छीनने वाली है। यहां पे यूरेनियम मिला है, वहां पर भी हमको पूरा अधिकार नहीं मिल रहा है। जहां पर हम बैठे हैं वो छोटा उदयपुर जिला, यहां की रेती, यहां का खनिज, यहां की रेती पूरे देश में और दुनिया में जा रही है, फिर भी हम यहां पैसा एक की बात कर रहे हैं, लेकिन पंचायत को वहां भागीदारी नहीं मिल रही है। ऐसे ही हमारी जल जंगल जमीन और हमारी खनिज संपदा दिन ब दिन लूटी जा रही है, और उस पे हम चुपकी दी लेके बैठे हैं। कोई बोल नहीं रहा है, कोई राजकीय नेता बोल नहीं रहा है, कोई सामाजिक नेता बोल नहीं रहा है, उसके बारे में भी चिंतन होना चाहिए। हमारा जो अबजों रुपया का बजट आता है, यहाँ ट्राइबल सप्लान चल रहा है, डेवलो सपोर्टमेंट एजेंसी दिशा चल रहा है, कहीं सारे अधिकारियों यहाँ जॉब कर रहे हैं, ट्राइबल में जॉब कर रहे हैं।